हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज आ चुके हैं अपनी गाड़ी में एक और काम करवाने क्या, खुद ही कर रहा हूँ DIY। इसके ना कैलिपर थे वो थोड़े से यार ज़्यादा मतलब रेड थे पहले, तो अब इसकी जो कलर था वो फेड हो गया था, तो एक बार खुद ही इसको वो कर रहा हूँ, एक बार ना मतलब कलर कर रहा हूँ इसका रेड कलर में। देखो भाई, देखो एक टायर तो खोल दिया अपने, यहाँ से रेड कलर के थे पहले अपने ये वाले, तो इसको फिर से रेड करने वाले। ये अपने एक ही जैक पर उठा रखी है, ये रहा अपना वो टायर, इसमें प्रॉपर डालेंगे भाई। यहाँ से पूरा साफ ऑफ भी कर दूंगा इसको, और साइड से पत्थर वत्थर आवाज़ करते हैं ना वो भी निकाल दूंगा इसके, पूरा गंदा रखा भाई। एक बार साफ ऑफ करके फिर अंदर कैलिपर पे पेंट कर देंगे, जो पीछे ड्रम ब्रेक्स है ना उस पर कर देंगे। आगे वाला इसके बाद निकालूंगा, ये भी पूरा चमका दूंगा भाई। फिर उसके बाद दिखाता हूँ कौन सा पेंट है अपने पास, पेंट वो पुराने वाला दिखाता हूँ आपको। भाई अपने पास ये वाला पेंट है जो नॉर्मली आता है, थोड़ा सा बचा है इसमें, उसमें हो जाएगा वैसे तो। इससे पहले मैंने वाइट के ऊपर रेड मारा था तो ज़्यादा शाइन मारता है, अभी ज़रूरत नहीं है वाइट वगैरह करने के लिए, तो नॉर्मल सिर्फ अपने इसी से काम चल जाएगा भाई। तो ये अंदर से कर चुका हूँ साफ, मतलब अंदर से आपने पहले देखा होगा कितनी गंदी थी, और ये पूरा भी पानी मार दिया है। अभी पूरा टायर को भी चमका दूंगा, आगे से रह गई, आगे से तो कभी भी हो जाती, अंदर से ज़्यादा दिक्कत थी, अंदर से ज़्यादा गंदी हो रखी थी, आगे से भी पानी मार के। तो भाई अपने ऐसे थे पहले कैलिपर, क्रैक्स आ गए थे भाई इसमें, तो पहले इसको एक बार साफ़ कर लिया गीले का, मतलब गीले कपड़े से ऐसे साफ़ कर दिया। उसके बाद इसमें सूखा कपड़ा मार के सुखा दूंगा, उसके बाद इसको कर दूंगा पेंट पूरा रेड कलर में, वो दिखाता हूँ कैसे होगा। तो भाई ये एक बार अपना सूखे कपड़ा है, ये वाला माइक्रो फाइबर है, एक बार इससे इसको पूरा साफ़ कर देता हूँ, ताकि जो गीला है ना तो वो हट जाए और सारा मतलब पेंट चिपक जाए इस पर आराम से, नहीं तो गीला रहता है तो पेंट चिपकता नहीं है इस पर। तो अपन इसको पूरा कर देंगे साफ। तो भाई ये कर चुके हैं हम एकदम बिल्कुल क्लीन, अब इस पे मारते हैं पेंट, शेक वेल बिफोर यूज, और ये हो गया अपना पेंट। भाई तो ज़्यादा पेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें, जो क्रैक्स है बस वही फिल करने की ज़रूरत है, और मैं दूर दूर से थोड़ा थोड़ा मार रहा हूँ, कम पेंट है इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर से मार रहा हूँ, और सिर्फ क्रैक्स पे ही मार रहा हूँ। ये वाली जो साइड होती है ना, ये वाली साइड अपनी अलॉय से मतलब अलॉय के ऊपर आती है, तो इधर से ऑलरेडी पहले पेंट हट चुका है, तो मैं ऊपर ऊपर की साइड में मार रहा हूँ, और नट पे पेंट नहीं मारा क्योंकि नट पे क्या होता है, जैसे अगर मैं पेंट मारूंगा ना तो फिर ये नट जाम हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ये देखो क्या। तो मैं सिर्फ ऊपर की साइड में पेंट मार रहा हूँ, सिर्फ ये वाली साइड में, ये देखो। तो देखोगे आप अपने सारे क्रैक्स थे वो फिल हो चुके हैं इसमें, अब थोड़ा सा यहाँ पर फिनिशिंग और दे देता हूँ। तो भाई ये हो चुका अपना बिल्कुल रेडी, एक बार आपको दिखाता हूँ साइड से, देखो ये साइड साइड से थोड़ा सा रहता है बस, इसमें तो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पेंट भी मेरे पास कमी है थोड़ा सा, तो ये अपना हो चुका है चारों साइड से। अब बस अपने अलॉय को लगाना है इसके अंदर, जब ये सूख जाएगा तब लगा दूंगा, ताकि अलॉय पे ना निशान ना पड़े पेंट के। तो भाई कर दिया इस वाले पूरे अलॉय को भी साफ, ये देखो भाई क्या शाइन मार रहा है पूरा अंदर बार से। इस पर मार देता है एक बार पॉलिश, टायर पॉलिश, इस ये वाली अलॉय वाली पॉलिश नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं नॉर्मल इसमें अभी नहीं मार रहा, और अगर इस पर दूसरी वाली पॉलिश मारूंगा ना टायर वाली, तो सारी डस्ट इस पर चिपक जाती है, तो अभी कुछ नहीं मार रहा। वैसे ही रात का टाइम हो चुका है और भाई जल्दी जल्दी काम करना है, तो अपन सिर्फ टायर पर पॉलिश मार देता हूँ, ताकि टायर चमक जाएगा, और उसके बाद इसको लगा दूंगा वापसी, पेंट तब तक सूख गया होगा। देखो भाई पूरा कैसे शाइन कर रहा है, इसके बीच की कैप हटा दी क्योंकि दूसरी कैप लगानी थी मेरे को, अभी है नहीं लेकिन बाद में लगाऊंगा, ये देखो भाई। तो भाई ये अपनी आ चुकी है टायर पॉलिश, और ये ब्रांड वगैरह नहीं है, मैंने किसी से ली थी भाई, बहुत सही पॉलिश है, मतलब इस पर दिखाऊंगा ना आपको लगाते हुए, तो आप भी बोलोगे कि भाई क्या पॉलिश है, मतलब ऐसी मार्केट में नहीं मिलती, ये सिर्फ जो गाड़ी साफ़ करते हैं उनके पास ही होती है। तो ये देखो अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा, देखो भाई इंस्टेंट शाइन है, ये शाइन आप इधर देख रहे हो और इस साइड में देख रहे हो, ये थोड़ा मैटी फिनिश आ रहा है जो टायर का होता ही है, और इधर अगर ऐसे मारूंगा ये देखो ये टायर चमकता है, ये भाई पूरे टायर पे मार दूंगा,
और पूरे टायर पे मारने के बाद इसको लगा देंगे अपन वापसी। तो भाई अपना हो चुका है, पेंट एकदम सूख चुका है इसमें। अब आगे इसकी टायर लगाने की बारी। ये रहा अपना टायर और ये लगा देते हैं नॉर्मली सुपर। तो भाई अपना दूसरा टायर खोलने का प्रोसीजर हो चुका है स्टार्ट। सारे टायर को अपने ऐसे करेंगे साफ वगैरह करके, फिर इसके जो बीच में पत्थर वत्थर है वो निकाल के फिर वापस इसको कर देंगे बंद और वापस लगा देंगे। तो आपको लास्ट में दिखाता हूँ कि चारों टायर करने के बाद कैसा होता अपना गाड़ी का, मतलब कैसे दिखते हैं इसके टायर और बिल्कुल साफ एकदम। तो भाई अपने आगे वाले कैलिपर से ये देखो इसकी हालत कैसी है। तो इसको पहले एक बार ब्रश से साफ करता हूँ, उसके बाद सूखने देंगे, मतलब सुखा दूंगा वैसे तो अपनी थोड़ा रात का टाइम में। तो इसको एक बार साफ करके इसके ऊपर मार देंगे पेंट, और मैंने यहाँ पर पन्नी से ढक दिया है ताकि जो डिस्क ब्रेक है उस पर लगे ना पेंट। तो ऐसे अपना काम सही से जाता है, पेंट लग जाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ना मतलब ऐसे लगता है कि जैसे ब्रेक घिसने की आवाज़ आती है ना, तो वैसे होता है। तो भाई कर दिया इसको मैंने एकदम साफ, अब इसको सुखा देते हैं अपने कपड़े से ताकि जल्दी सूख जाए, उसके बाद कर देते हैं इसको एकदम पेंट। तो भाई अपना पेंट का प्रोसेस यहाँ पर करते हैं स्टार्ट, इसको हल्का हल्का करते हैं पेंट। ये अपना हो चुका है एकदम पेंट बढ़िया। अब इसको करते हैं सूखने के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद लगाते हैं अपने वो टायर वहाँ पे पड़ा है इसको लगाते हैं थोड़ी देर बाद में। सो गाइस ये नेक्स्ट डे है, मैं उस दिन वापस आ गया था घर से, मतलब दोस्त के घर गया था, वहाँ से वापस आ गया था अपने घर के यहाँ पर लगा रखी गाड़ी। तो कल दो ही टायर हो पाए थे यार, क्योंकि कल बहुत रात हो गई थी और मतलब इतना रात में काम करना सही नहीं है। तो अब ये वाला और पीछे वाला टायर मैंने जैक लगा दिया, ये उतारता हूँ, इसके बाद मैं इसको सही करता हूँ, मतलब जो भी टायर वायर है सब साफ ऑफ करता हूँ, जो भी इसमें पत्थर वत्थर है सारे हटाता हूँ, फिर पेंट वेंट करते हैं। प्रोसेस सारा कल का ही है, बस एक बार देखना कि चारों टायर होने के बाद कैसे लगती है गाड़ी। तो गाइस एट लास्ट हमारे चारों टायर हो चुके हैं पूरे, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था कैसे चमक रहा है। देखो ये वाला भी सही चमक रहा है इसमें, ये देखो गाइस कैलिपर देखो, सॉरी कैलिपर तो आगे का है, पीपी ड्रम ब्रेक्स देखो कैसे लग रहे हैं भाई, एकदम शाइन कर रहे हैं रेड कलर में। और टायर देखो पूरी पॉलिश मार दी टायर पे, अंदर से बाहर पूरा साफ़ कर दिया, ये लग रहा है एकदम चिकने टायर। तो ये था भाई अपना व्लॉग, उस साइड से भी एक बार दिखा देता हूँ। तो इस साइड से कुछ ऐसे लगते हैं अपने, ये कल के करे हैं भाई, ये देखो अंदर से ऐसे और बाहर से ऐसे, और ये आगे का। तो भाई ये था आज का व्लॉग, किसी को अगर अपने टायर पे ऐसे करवाना हो, किसी को कैलिपर पे या फिर ड्रम ब्रेक्स पे ऐसे मारना हो तो वो ऐसे करके मार सकते हैं, पेंट वगैरह ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस पन्नी उन्नी लगा के मारना है, क्योंकि पन्नी से थोड़ा ना आगे पीछे फैलता नहीं है पेंट अगर कैलिपर पे मार रहे हो तो। बाकी भाई ये था व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो भाई हिट द लाइक बटन। भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी DIY वीडियोज़ आती रहेगी चैनल पर, एंड इसके बाद भी और वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ, प्लीज़ देखते रहना एक बार।